हे गाइस, दिस इज राज कदम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मुझे आपको बताने के लिए एक गुड न्यूज है एंड एक बैड न्यूज है। बैड इतनी बैड है कि दैट्स लाइक वर्स्ट न्यूज, एंड गुड इतनी गुड है कि दैट्स द बेस्टेस्ट न्यूज। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो मुझे अभी कॉलेज को जाने के लिए लेट हो रहा है, लाइक ऑलवेज हर टाइम मैं लेट ही होता हूँ। सो आई विल बी रशिंग टू द कॉलेज राइट नाउ, एंड जब मैं कॉलेज से आऊँगा तब आपको बताऊँगा कि क्या न्यूज़ है। पहले मैं बैड बताने वाला हूँ एंड उसके बाद गुड बताने वाला हूँ, बिकॉज गुड न्यूज इतनी अच्छी है कि दैट विल ओवरलैप द बैड न्यूज। सो लेट्स गो टू द कॉलेज एंड एंजॉय द एडिट। जस्ट केम बैक फ्रॉम द कॉलेज एंड अभी फटाफट से फ्रेश होता हूँ एंड उसके बाद प्रिंस को नीचे घुमाने के लिए लेके जाना है। सो आने के बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि व्हाट्स द गुड न्यूज एंड व्हाट्स द बैड न्यूज। गुड तो बहुत बेस्ट है एंड बैड तो सुपर डुपर वर्स्ट। सो वेट फॉर अ मिनट एंड आई विल बी बैक। अभी प्रिंस को घुमा के आया एंड ये बीच में डिस्टर्ब करने वाला है, सो इसका कुछ करना पड़ेगा एंड आपको मुझे बताना भी है गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। सो पहले गुड न्यूज़ बताऊँ या बैड न्यूज़, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मैं खुश भी हूँ, बहुत खुश हूँ एक्चुअली, एंड उदास भी हूँ। सो पहले बैड न्यूज़ बताता हूँ। द बैड न्यूज़ इज कि मैं हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स होने वाली है एंड आई एम नॉट गोना बी देयर, बिकॉज उस टाइम पे आई विल बी इन मुंबई एंड दैट्स द गुड न्यूज़। सो फ्रेशर्स लाइफ में एक बार आती है, सो बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अटेंड करने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई विल ट्राई। सो दिस इज़ वाई मैंने सुबह बोला था कि जो बैड न्यूज़ है इट्स लाइक वर्स्ट न्यूज़। सो दैट्स इट। कमिंग बैक टू द गुड न्यूज़, सो गुड न्यूज़ इतनी गुड है कि दैट्स द बेस्टेस्ट न्यूज़। सो मुझे इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट स्टिल आई विल ट्राई। सो मुंबई में 3, 4 and 5 को शेरू क्लासिक होने वाला है। इट्स द बिगेस्ट शो इन इंडिया एंड इन एशिया कॉन्टिनेंट, सो आई विल बी गोइंग देयर एंड मीटिंग माई आइडियल्स। बहुत बहुत जन आने वाले हैं, लाइक आई कांट इवन काउंट देयर नेम्स, मैं बता भी नहीं सकता कि कौन कौन आने वाला है। सो द बिगेस्ट वन इज बिग रैमी, मिस्टर ओलंपिया 2020 and 2021, एंड ही विल बी गिविंग पोजिंग देयर। उसके बाद भुवन चौहान आने वाले हैं, सरजी कॉन्स्टेंट आने वाले हैं, बाद में यश आनंद आने वाला है। दीज ऑल गाइज, मतलब ये सिर्फ मैंने चार नाम बताए, देर आर ऑलमोस्ट 30 स्टार्स आइडियल्स जो आने वाले हैं। तो गुरुमान जी भी आने वाले हैं, सो आई एम लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड मैन। सो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, 3, 4, 5 को अटेंड करूँगा। एंड ये सिर्फ 30 नाम्स मैंने बताए कि जो आने वाले हैं एज अ गेस्ट, बट जो कंपटीशन खेलने वाले हैं वो तो अलग। सो आई विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ देम गाइस, जो मेरे आइडियल्स है जिन्हें मैं 3-4 साल से देखते आ रहा हूँ। आई विल बी मीटिंग देम, क्लिकिंग पिक्चर्स विद देम, सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड मैन। अभिषेक यादव भी आने वाला है, सो एंड ही इज गोइंग टू विन अ प्रो कार्ड, आई एम श्योर, आई एम गॉड डैम श्योर ही इज गोइंग टू विन प्रो कार्ड। एंड ये शायद आने वाला है, उन्होंने मुझे टी शर्ट भेजा था, वो अभी अंदर रहे कहीं पे, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो ऑल दिस एंड मुझे कैसे एक्सप्रेस करूँ कुछ पता नहीं जैसे चल रहा अभी। आई एम सुपर डुपर हैप्पी प्रिंस, तो मैं उसकी पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, रोड टू एमेचर ओलंपिया। एंड एक्चुअली 2 महीने पहले जब ये ट्रेंड आ रहा था यूट्यूब पे कि एवरी यूट्यूबर वॉज अनाउंसिंग ही विल बी कम्पीटिंग इन एमेचर ओलंपिया, तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आई शुड बी देयर कम्पीटिंग। मैं 3 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, बट लेट्स सी, अभी तो नहीं, इट्स लॉन्ग वे टू कम्पीट, बट वन डे आई विल बी ऑन दैट स्टेज। अभी तो पावर लिफ्टिंग में कम्पीट करने वाला हूँ मैं, बिकॉज आई एम नेचुरल एथलीट एंड वहाँ पे नेचुरली कोई स्कोप नहीं है। आई कांट इवन प्लेस इन 10 तो छोड़ो, इन 20-30 मैं फर्स्ट राउंड भी क्वालिफाई नहीं कर सकता, इतने कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। सो आई विल बी गोइंग देयर एंड मीटिंग ऑल दिस गाइज, रिकॉर्डिंग ये पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, पूरा ब्लॉग्स, दिस इज ड्रीम कम ट्रू। सो मैन कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, हाँ यहाँ से अच्छे।
सो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू एंड ही इज बाइटिंग मी. सो अगर आप वो सब देखना चाहते हो तो बी विथ मी, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. आपको पूरी सीरीज दिखेगी, कंपटीशन दिखेगा, कौन जीतने वाला है वो दिखेगा. एंड वहाँ पे मैं बहुत सारे कोचेस से भी मिलने वाला हूँ. आई विल बी हायरिंग वन ऑफ देम मेरे आगे की जर्नी के लिए. ऐसे मेरे प्लान्स है, बट स्टिल लेट्स सी, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा सब. तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करो. अभी जिम जाने के लिए भी लेट हो रहा है. द नेम ऑफ द सीरीज विल बी रोड टू एमेचर ओलंपिया एंड दिस इज फर्स्ट एपिसोड. सो सुपर डुपर एक्साइटेड एंड सैड एट द सेम टाइम कि मुझे फ्रेशर्स अटेंड नहीं करने मिलेगी. सो लेट्स सी क्या होता है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे अटेंड करने को मिले, बट लेट्स सी. आई एम लाइक ऐसा, What should I do? एंड थ्री को हमारी फ्रेशर्स है एंड जूनियर्स, जो हमारे जूनियर्स है उनकी फोर को फ्रेशर्स है जो हम देने वाले. तो एक्चुअली उसके प्लानिंग भी चल रही है एंड टू बी ऑनेस्टली मुझे अंदर से बुरा लग रहा है. सो आई एम नॉट लाइक पार्टिसिपेटिंग इन दैट. मुझे मतलब मेरा मन है कि मैं उसमें जाऊँ, बट नहीं, ऐसा कुछ तो है जो मुझे पीछे ऐसा ले रहा है. So I don't know what should I do, but obviously road to amateur olympia episode 1. अब जाएंगे, अभी back workout लगाने वाला हूँ मैं and I will be too much focused, मतलब मैं 100% देने वाला हूँ. So I will not be recording too much, एक दो sets record करूँगा और आपको डालूँगा. So watch it and hope so आपको अच्छा लगेगा वो. एंड एडिटिंग के टाइम पे अगर कुछ मुझे ऐड करना होगा इसमें तो आई विल ऐड. सो उसे भी एडजस्ट करना. प्रिंस थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ. प्रिंस. सो दिस वॉज गुड एंड द बैड न्यूज. मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेशर्स लाइफ में एक बार आती है एंड गोइंग देयर विल बी ड्रीम कम ट्रू. सो आई विल सी इफ आई कैन मैनेज एडिंग दिस टू. सो मुझे तो जाना है, मुझे फ्रेशर्स को भी जाना है, मुझे वहाँ पे भी जाना है. बट इफ आई हैव टू चूज वन, आई विल डेफिनेटली चूज एमेचर ओलंपिया. सो विल बी गोइंग देयर. क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मतलब 3 साल से ऐसा देख रहा हूँ मैं कि ऐसे शोज होते हैं, ऐसा ये होता है, ऐसे वो होता है. मैन दिस इज सो फकिंग ऑसम. आई नो देयर आर मेनी पीपल जो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, बट इसमें इंटरेस्टेड है. सो मैं इसे भी दिखाता हूँ, मतलब मुझसे ज़्यादा तो इसके फैंस है. अब ये कितने सेटिस्फाइंग तरह से नीचे आया गिम्बल की तरह. हाँ, तो अभी जाऊंगा जिम को. ये थोड़ी सी हमारी तो अभी आई वॉज जस्ट प्लेइंग विद हिम. तो अभी मिल खाऊंगा एंड लेट्स गो नाउ. मुझे लेट नहीं होना, आई एम एक्साइटेड. सो 100% देना है मुझे वर्कआउट में. एंड इफ यू आर नॉट स्टिल फॉलोइंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, सो फॉलो मी, इट्स mr_rajkadam. जब मैं मुंबई जाऊंगा आई विल बी पोस्टिंग ऑल द अपडेट्स ऑन माय इंस्टाग्राम. यहाँ पे नहीं कर सकता बिकॉज एडिटिंग में टाइम जाता है, वीडियो एडिटिंग में. सो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. आई विल बी गोइंग एंड जो एडिटिंग रहेगी आई विल मेक श्योर दैट इट विल बी माय बेस्ट वीडियोस येट. ये देखो, इसे तो सिर्फ बाइट करना है, सिर्फ बाइट करना है. अभी लेट हो रहा है, अभी 5:39 हुए है एंड आई हैव टू ईट माई प्री वर्कआउट मील. सो आई विल बी ईटिंग प्री वर्कआउट मील. तो वो रेगुलर ही है प्री वर्कआउट मील. यहाँ पे फोटो आ रहा होगा या फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा. एक्चुअली अगर अभी नहीं खाया तो आई विल बी लेट. सो मैं आपको बताता हूँ, हिट्स 30 ग्राम ओट्स, 1 एप्पल, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग माई ओट्स इन 100 ml ऑफ मिल्क एंड जो बाकी का होगा वो पानी होगा. आई विल बी यूजिंग लाइक 300 ml ऑफ वाटर एंड 100 ml ऑफ मिल्क. सो आई विल बी हैविंग माई प्री वर्कआउट मील नाउ एंड उसके बाद कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम को जाने वाला हूँ. सो लेट्स गो.
मतलब एक 10 मिनट पहले आया, फ्रेश हुआ एंड नाउ गोइंग टू हैव डिनर एंड आज का पम्प अभी तक बचा नहीं है, बट स्टिल अभी चिकन खाने वाला हूँ पोस्ट वर्कआउट मील एंड तो फ्रेशर्स मिस होने वाली है, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली मुझे ये 2 दिन पहले पता चला एंड आई वॉज क्लोज टू क्राइंग, मतलब बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बहुत, बट इट्स ओके, आई हैव चोजन दिस पाथ, तो इसके अप्स एंड डाउन्स में एडजस्ट करना ही पड़ेगा एंड सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, सो दिस सैक्रिफाइस गोना काउंट वन डे। एंडिंग दिस व्लॉग हियर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। पीस प्लीज, पीस।